रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भाई साहब प्रणाम, कैसे मॉर्निंग का वॉकिंग कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। हाँ, और आप बाकी कैसा, आपका ये सब देखने से कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इतना कुछ देखने को मिला। मुझे फिर इतना सा दुख हो रहा है कि हमारे बाबू जी, चाचा जी, काका जी सब लोग रहते तो देख करके उनको और मतलब सौभाग्यशाली महसूस करते, और जो उनका सपना था वो देखते तो बहुत खुश होता है। तो बाकी अभी क्या देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी का रोल कहाँ है? मुझे लगता है अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ करना है यहाँ पे। हाँ, बहुत कुछ बनाना है। दिमाग में है कि मुझे घर को जो बाहर शामिल कर लिया दिखाई दे रहा है। हाँ, जब वॉक कर रहा हूँ तो ये दिमाग में चल रहा है कि इसको कैसे ठीक करूँ। अच्छा, तो इसका कुछ बनाऊँगा दिमाग में। अच्छा, बना करके शेयर करूँगा लोगों से। और परिवार के मोस्टली सारे सदर, मोर देन 90% लोग आए हुए हैं, तो उसमें सबका आपके लिए एक संदेश भी रहना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब इतना अपने आप को प्राउड और इतना सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इतने भाई लोग हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो लगता है किसी जन्म में हमने कुछ अच्छे काम किए हैं। आप आने वाले थे 27 या 28 तारीख को आने थे, अचानक माता जी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से आपका बिजी शेड्यूल जो है रिशेड्यूल हुआ है। जहाँ माता जी की बात आती है सब चीज़ें छूट जाती हैं, सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, तो जब उनकी बात आती है तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, अनकंडीशनल छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई मतलब दुख संघर्ष नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसी तरह से मैं छोड़ करके सीधा चला आया, उनके साथ रहा, उनको लेकर के यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे साथ में हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, बात करेंगे, मुस्कुरा रही हैं, और वो सब जब वो बोल देती हैं लगता है कि कोई धन्य हमको। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अल्लाह तेरे नाम सब को। आप लोग परिवार के सारे औरतें बम्बई से सब लोग आए हैं, हमारे सबसे बड़ी भाभी हैं, बताइए कि कैसा लगा आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और इतना आनंद का माहौल है कि हम लोग इतनी सारी देवरानी जेठानी मिलके और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो आपको मैं राइट्स दे रहा हूँ, आप एक एक लोगों को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ये है। हाँ। छोटी देवरानी। नमस्कार बीना जी, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। ये हमारी पूनम है। ये हमारी बहुत चुलबुली भाभी जी हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लगा आपको आना जाना? बहुत अच्छा लगा, मैं अपने बहू से मिलकर बहुत खुश हूँ कि पहली बहू इतनी अच्छी आई थी, आगे भी अच्छे आए। हाँ, ये है हमारी छोटी देवरानी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा भैया, ठंडी में इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ये हमारे शैलेंद्र देवर हैं, बड़े डॉक्टर साहब, उनकी मिसेज है। ये है प्रिंसिपल आजमगढ़ में, और ये शादी में अपने घर पे आई हैं, एंजॉय कर रही हैं। अब आप इनसे पूछिए आपको कैसा लगा कि ये ठंडी सीजन में जो शादी पड़ी? बहुत अच्छा लग रहा, मन करेगा हमेशा ऐसे ही। बुलबुल की शादी है, कैसा लगा आपको? वह पूरे परिवार के सब लोग आए हुए हैं, तो उसमें कुछ मन में उत्साह है कि नहीं आपके अंदर? नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, इनकी बिटिया की शादी है और सब लोग इस आनंद का मना रहे हैं। हाँ, और अपनी हमारी ये देवरानी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। हाँ। संजय, कैसा लगा आपको, आप बम्बई से आए तो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठंडी सीजन में शादी रखी गई है बुलबुल की, एकदम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी रिसॉर्ट में रुके हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, सभी लोग आए हुए हैं, कैसे एंजॉय लगा बहुत दिनों के बाद? ऑलमोस्ट 200 ये लोग खाना बनाने के लिए लोग आए हैं, ये लोग खाना बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं आप लोग? पोहा बना रहे हैं। पोहा का नाम क्या है? दिखे जी, सब ठीक है? कैसे लगा, पूरा परिवार आया है, मोर देन 98% लोग आए हुए हैं, तो कैसे आपको फील हो रहा है ठंडी के सीजन में शादी का माहौल? बहुत अच्छा है। हाँ, आज मॉर्निंग में सबसे पहले आप ही उठी थी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सबसे जो भी उसके घर हाँ तो बहुत अच्छा लगा ना। ये हमारी बहू है, बड़ी बहू, और ये बहुत प्यारी है, ये पूरा संभाली हुई है। हम इतने सारे हट्टे कट्टे सास लोग हैं, सबको संभालने वाली एक बहू। अब आप इनसे थोड़ा पूछिए।
पूजा सभी लोग यही बोल रहे हैं कि पूजा जो है बहुत सबसे परिवार की ज्येष्ठ बहू है, कैसा लगा ये शादी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों से हाँ एक सास को हैंडल कर सकती हैं, नौ सास हैं। हाँ हाँ ये बहुत बेस्ट। चलिए बेस्ट ऑफ लक। राम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। भाई साहब प्रणाम। आप जो है भाई साहब के बाद सेकंड पोजीशन है, आपका परिवार के सबसे बड़े यूनिक मेंबर है आप। इस सीजन में शादी रख के आपको कैसा लगा, कैसा परिवार के सब लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट सभी लोग आए हुए हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सब लोग एक साथ आए हुए हैं, सब लोगों को ऐसा चाहिए। हाँ इस एग्जाम्पल को लेकर के हाँ ये ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में कुछ इस तरीके की चीज़ों को बनाए। हाँ जैसे हम यहाँ लंदन अमेरिका फ्रांस जाते हैं घूमने के लिए, वो अपने घर को अपने जन्मस्थली को पिकनिक प्लेस बनाए और साल में एक बार उसी बहाने एक कॉन्क्लेव टाइप पूरे घर के मेंबर रहे वहाँ पे, पूरे तन्मयता से, पूरे प्रसन्नता से, पूरे आत्मीयता से एक साथ रहने का अवसर मिलता है। क्योंकि सिचुएशन ये हो गई है कि एक साथ रहने का अवसर नहीं है, लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हैं, डिफरेंट तरीके के मतभेद हो जाते हैं हम लोगों के बीच में। जब एक साथ आदमी 10 दिन रहता है साथ में तो उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है और फॉर्मेलिटी क्या है, रियलिटी में कैसे जीवन को जिया जाता है। तो रियलिटी में जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सबके बीच के आपस का प्रेम है। जब हम एक यूनिटी इस तरीके की चीज़ों को समझेंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा और इससे बड़ा सुखद आनंद मेरे समझ से कुछ नहीं हो सकता है। मोर देन परिवार के सभी 60-70 लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है? मेरे संदेश है यार, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग एक दूसरे से घुल मिल करके रहें। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 20वीं सदी में हम लोग इंटर कर चुके हैं, अगला आपका विजन क्या है परिवार के लिए? विजन तो मेरा ऐसा था कि आप यहाँ आओ, लोग यहाँ पे आए तो कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनको ये फीलिंग हो कि यार मैं तो बिल्कुल दिल्ली बम्बई कलकत्ता जैसे बड़े जगहों पर यहाँ पे हूँ। नए बच्चों नए जनरेशन तैयार हुए, उनके लिए क्या एक संदेश दे दीजिए? नई जनरेशन के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि वो नई दुनिया में रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनका जीन्स है, वो जहाँ से गया हुआ है उसके बारे में उनको कम जानकारी है। वो दूसरी दुनिया में रहते हैं तो दूसरे तरीके से रहते भी हैं और जब तक उनको ये सोचने का अवसर आएगा तब तक समय निकल जाएगा। तो हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है कि उनके अपने ज़मीन के बारे में, अपने रूट के बारे में ये समझा लेने का प्रयास ज़रूर करें कि आप कहाँ से आए हो और जीवन का उद्देश्य। ये बालकिशन जी के भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, रीता की शादी हो रही, उनके पिताजी हैं और इस सीज़न में जो जनवरी महीने में शादी का डेट रखा तो कैसा क्या सोच के रखा कि कैसा लगा? तो थोड़ी सोचा, पंडित वंडित मिला के सब सोच भी तो किए हैं। हाँ ऐसा गणना बढ़ना बन गया इसकी वजह से हुआ। हाँ ये बलवंत सिंह है, डॉक्टर साहब के बाद यही घर के देखभाल करते हैं, कैसा लगा रहा आपको ये शादी का माहौल कैसा रहा?